तो देखिए यहाँ पे हम तेल डाले जा रहे हैं मैगी बनाने के लिए। तो मिट्टू खाएगा मैगी? सोनू बना रहा खाएगा? हाँ जूस यहाँ ना, जूस ही पे देते हम हैं। तेल डाल चुके हैं और यहाँ पे हम प्याज डालेंगे। तो हरी मिर्च, प्याज, अदरक, लहसुन। यहाँ पे हम थोड़ा ये प्याज को भून लेते हैं। मिट्टू मैगी बनना देख रहा है? मिट्टू मैगी खाएगा ना? खाएगा बोल मेरे को, हम भी खाएंगे मैगी। मैगी खाएगा ना? मिठू थोड़ा भी हम प्याज भून लेते थोड़ी देर। तो यहाँ पे प्याज डाल चुका है और यहाँ पे हम डालने जा रहे हैं मिर्ची, सॉरी लहसुन, लहसुन डालने जा रहे हैं। जब तक हम बना रहे हैं तब तक मिट्टी मेरे साथ ही बैठा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ी देर में भून लेते हैं लहसुन, उसके बाद हम डालने वाले हैं मिर्ची। मिठू बात करो उधर। मिठू हाँ मिठू, मैगी खाएगा? मुंह में पानी आ रहा है मिठू? मिठू मुंह में पानी आ रहा है खाने के लिए? कितना पानी आ रहा है मिठू? तो यहाँ पे लहसुन घुटा चुका है, तो यहाँ पे हम डालने जा रहे हैं मिर्ची। तो देखिए हम यहाँ पे मिर्ची डाल दिए हैं और थोड़ा इसे हम भून लेते हैं। तो यहाँ पे हम मिट्टी भूल जाए, मिट्टू देख रहा है मेरे साथ, देखिए आप सब कैसे बैठा हुआ है शांति से। आप किस तरह से मैगी बनाते हैं जरूर कमेंट में बताएं, आप पानी वाला बनाते हैं या सूखा बनाते हैं, तो आपको कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताएं। तो यहाँ पे देखिए हम प्याज लहसुन एंड मिठाई हम भूल गए हैं और यहाँ पे हम डालने डाल रहे हैं टमाटर। तो चलिए टमाटर डाल को भी खाते हैं, टमाटर डालने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम टमाटर डाल दिए और मिट्टू देखिए किस तरह से बहुत देख रहा है बनते हुए, सबको कब बने और कब दिए। तो देखिए यहाँ पे हम भून लिए हैं, यहाँ पे मसाला भूनने से पहले हम थोड़ा डाल लेते हैं मैगी मसाला, क्योंकि तो इसमें मसाला मिक्स हो जाएगा तो साथ में ऊपर भी फिर से डाल देंगे। तो यहाँ पे हम कट कर लेते हैं थोड़ा और यहाँ पे हम देखिए मैगी मसाला थोड़ा डाल देते हैं। तो हम थोड़ा मैगी मसाला डाल दिया और इसको साथ में भून देते हैं। यहाँ पे थोड़ा डालने लगा के बाद हम मैगी डाल लेते हैं, क्योंकि हो गया सारा तैयार हो गया, तो मैगी डाल लेते हैं। ठीक है मैगी डाल देते हैं और फिर हम मिक्स कर लेते हैं। नमक 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 थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, क्योंकि मसाला में नमक पता है, हम थोड़ा सा डालेंगे। नमक डाल चुके हैं, उसका थोड़ा सा एक थोड़ा सा तेल डाल देंगे ऊपर से, इसमें सारे करके मिला देंगे, उसका रंग भूल देंगे। भूलने के बाद हम जो कि बचा हुआ मसाला डाल देंगे ऊपर से। देखिए मीठू किस तरह से देख रहा है, हम से शांति बनाए हुए कब बनेगा मेरे को मिलेगा, कब बनेगा तो मेरे को देगा, इसलिए सोच रहा है मीठू। तो यहाँ पे हम मसाला डाल दिया और उसका मिला लेते हैं। मसाला भी कितने तो अलग से मैगी मसाला डालते हैं, अलग से मैगी मसाला ऊपर से थोड़ा सा स्वाद अनुसार और सब मिक्स करके सारा। तो मैगी तैयार हो गया है और यहाँ पे हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देते हैं ऊपर से बनने के बाद, इसमें स्वाद अनुसार डाल दिया और मिक्स कर लेते हैं। आप खाएगा मीठू टेस्ट करके बताएगा मीठू कैसा लग रहा है, हलोई भी पका लिया। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि आपको दिखा देते हैं मैगी बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पे
दिखाया जैसे कि ये तैयार हो चुका है और स्वाद भी आ रहा है, तो चलिए आपको बताते हैं खाने के बाद कैसा लगता है। यहाँ पर हम गैस बंद कर देते हैं, यहाँ पे मैगी बनके तैयार हो चुका है, बेटू खाने के लिए तैयार है, और खाएंगे तो आपको दिखाएंगे कैसा लगा। और आप भी बना के देखिए आप कैसा बनाते हैं मैगी, उस टाइप से कमेंट करके बताएं। सूखा बनाते हैं या पानी बनाते हैं, हम तो सूखा हमको अच्छा लगता है इसलिए सूखा बनाते हैं कभी कभी, और हमारे जैसे भी बनाकर खाते हैं। देखिए कमेंट बताएं सूखा बनाते हैं पानी वाला।